नीट पेपर लीक कांड में वैसे तो 22 साल का अनुराग यादव लीक पेपर के जरिए एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी था, लेकिन उसके नाम पर बिहार की राजनीति में उबाल आया हुआ है। ये उबाल क्यों आया है ये भी आपको समझाते हैं। चार मई को अनुराग पटना के इसी चमचमाते हुए सरकारी गेस्ट हाउस में अपनी मां के साथ पहुंचा था। इसी गेस्ट हाउस ने नीट घोटाले के तमाम राज खोल दिए हैं। दरअसल अनुराग की रजिस्टर में हुई एंट्री के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था। सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर वो मंत्री जी कौन हैं जिनके जरिए अनुराग के नाम पर इस गेस्ट हाउस में कमरा बुक हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस मंत्री की सिफारिश पर नीट पेपर लीक गैंग में शामिल अभ्यर्थी अनुराग यादव को एयरपोर्ट के सामने गेस्ट हाउस में ठहराया गया। दरअसल नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर जो है जूनियर इंजीनियर था, उसने अपने सरकारी रसूख का इस्तेमाल किया। परीक्षा माफिया सिकंदर ने सरकार के नाक के नीचे खेल खेला है। सरकारी गेस्ट हाउस में उसने अपने रिश्तेदार अनुराग यादव जो नीट अभ्यर्थी था और उसकी मां रीना कुमारी को उसने रुकवाया था। रजिस्टर में 4 मई की जो तारीख थी उसमें यहाँ पर नाम लिखा हुआ है अनुराग का, दोपहर 12:40 में आया था। उसके आगे लिखा हुआ है लेटर नंबर 440 और मंत्री जी। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन मंत्री जी हैं ये, क्या परीक्षा माफियाओं का किसी मंत्री से भी जो है कॉन्टैक्ट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस के केयरटेकर प्रदीप को फोन किया और फिर प्रदीप ने फोन पर हुई बातचीत के बाद अनुराग के ठहरने का इंतजाम किया। ये तमाम विषय की जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, सिकंदर का, प्रीतम का, तेजस्वी यादव जी का, लालू जी के परिवार से, ये सारा मामला पूरी तरह से जांच का है। 1 तारीख को 1 कॉल किए, 4 तारीख को 3 बार कॉल किए, अपने सत्ता और रसूख के बल पर कैसे ये लोग विभाग में लोगों को डराकर प्रतिभा का गला घोंटते हैं। गेस्ट हाउस बुक करने के लिए फोन करने वाले तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम सरकारी अधिकारी हैं और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू कल प्रीतम से पूछताछ करेगी। हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइको, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। तेजस्वी को पूछताछ से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वो सिकंदर का बचाव करते भी दिखाई दे रहे हैं। भाई जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर अभ्यर्थी अनुराग का कबूलनामा मौजूद है। अनुराग कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा था, उसके पास फूफा सिकंदर का फोन आया। अनुराग ने अपने कबूलनामे में कहा है कि मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा के जरिए मुझे रात में अमित आनंद और नीतीश के पास छोड़ा गया, जहां पर नीट के परीक्षा प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। मुझे वहां रट्टा मरवाया गया और जब मैं सेंटर पहुंचा तो वही प्रश्न पत्र मिला जो रात में रटा था। परीक्षा के बाद पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। इसी ऑफिस में अमित आनंद और नीतीश कुमार जो परीक्षा माफिया है वो सिकंदर से किसी काम से मिलने आए थे और इन दोनों ने सिकंदर से ये कहा था कि हम लोग नीट बीपीएससी यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर जो है उसको लीक कराकर अभ्यर्थियों को उत्तर देते हैं और उत्तर रटवाते हैं और परीक्षा में वही प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, सो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नंबर से पास हो जाते हैं। तो सिकंदर ने तब उनकी बात सुनकर ये कहा कि मेरे पास कुल 4 अभ्यर्थी हैं, इनको नीट की परीक्षा में पास करा दीजिए। तो डील तब तय हुई। अमित आनंद और नीतीश ने कहा था कि
30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, तो इसके लिए सिकंदर तैयार हो गए। 5 मई को परीक्षा थी, सिकंदर ने पूछा कि अभ्यर्थियों को कब लाना है, तो नीतीश और अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को चारों अभ्यर्थियों को खेमनी चक के पास जो लर्न प्ले स्कूल है वहाँ लेकर आइए, वहीं पर उन लोगों को प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उत्तर रटवाया जाएगा। अब चलिए नीट के अपराध वाले अगले अड्डे पर। ये वो ही फ्लैट नंबर 202 है जिसके अंदर बैठकर नीट पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। करोड़ों की डीलिंग इसी फ्लैट के अंदर हुई थी। पटना के कुलदीप विमादित्य पैलेस में इसी फ्लैट नंबर 202 से पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे, साथ ही कई और अहम दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए थे कि नीट पेपर लीक के सेटर अमित आनंद का फ्लैट है। 202 जो फ्लैट है इसी में नीट पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है अमित आनंद वो रहता था। फिलहाल इस फ्लैट के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है और कई दिनों के अखबार इस फ्लैट के बाहर पड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई ईओयू और पटना पुलिस ने की, जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और जो कबूलनामा निकल कर सामने आया कि इसी फ्लैट में बैठकर जो तमाम रणनीति थी इस पेपर लीक को करने की वो बनाई जा रही थी, यहीं से महत्वपूर्ण दस्तावेज जो थे वो ईओयू की टीम को मिली थी। जो पेपर जलाया गया था, क्वेश्चन पेपर मिले थे जो जले हुए थे, वो इसी फ्लैट से बरामद किए हुए गए थे। मुंगेर का रहने वाला अमित आनंद पेपर लीक के धंधे में लंबे समय से जुड़ा है। गया का नीतीश इसका दोस्त है और दोनों संजीव मुखिया के चेन के अहम किरदार हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।